जी हाँ, ये सीक्वेंस है कि हमारे घर में एक बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जो मेरे जीजू हैं राघव जी और रत्ना रॉय के बेटे, उनके और अभिमान के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और ये आज पीक कर जाती हैं और इस लेवल तक पीक कर जाती हैं कि बात हाथ से ज़्यादा हैंडल करने से ज़्यादा बढ़ जाती है. एंड असल बात ये है कि ये दोनों भाई हैं, लेकिन एक ये नहीं जानते कि ये दोनों भाई हैं. एंड फैमिली में भी कोई नहीं जानता कि ये दोनों भाई हैं, लेकिन दो भाइयों के बीच में एक्सेप्ट इनकी जो माँ है सिर्फ ये जानती हैं. तो उनके लिए देखना कि ये दो भाई इस तरह झगड़ रहे हैं बहुत हार्ट ब्रेकिंग है. तो ये आज का सीक्वेंस है हमारा. हमने देखा कि अरमान घर छोड़ के जा रहे हो, क्या अभिमान गुस्से में घर छोड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि उनके साथ ये फैमिली काफ़ी मिसबिहेव करने लगती है. तो ऑलरेडी उनकी बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दिमाग में, उनको रिलेशनशिप्स और फैमिली से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो ये मुझे ऑलरेडी कन्फेस कर चुके हैं. एंड जब आज ये सब घर में होता है तो वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते और वो घर से निकल जाते हैं. तो आप कैसे उनको रोक पाएंगे? तो रुक नहीं रहे हैं, तो मैंने जी मैंने रोकने की कोशिश तो की है. एंड मैं फिर जाके इनसे मिलूंगी और बात करूंगी और फिर देखते हैं, होपफुली मान जाएंगे. ये आगे आने वाला ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में आगे आने वाला ट्विस्ट एंड टर्न काफ़ी ड्रामेटिक होने वाला है, और बहुत हाई इंटेंस ड्रामा प्लान है शो में, और बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है. ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा कि क्या होगा एग्जैक्टली. लेकिन ये जो दो भाइयों की लड़ाई है, इससे फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आगे. मतलब कहीं ना कहीं ये सोसाइटी का जो घर में होते हैं उसी तरह का ड्रामा. हाँ आई गेस, लेकिन आई डोंट थिंक ये हर घर में होता है कि दो भाई हैं जो नहीं जानते ये भाई हैं. सो नहीं, इतना रिलेटेबल भी नहीं है, लेकिन हाँ मतलब जो फैमिली ड्रामा है वो तो रिलेटेबल है. चलिए, तो हम होम लोकेशन की बात हुई, क्रिसमस का क्या प्लान है? क्रिसमस में मेरा प्लान है शूटिंग करने का. यहाँ पे इनका क्या प्लान है ये मुझे नहीं पता. अगर छुट्टी मिल जाती है तो होपफुली जस्ट एट होम फैमिली के साथ. बहुत टाइम हो गया फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला है. सो ऑल आई वांट टू डू इज सिट एट होम विद ऑल माय फ्रेंड्स फैमिली एंड बस एक रिलैक्स सी इवनिंग. ऐसे सपने देखती हूँ मैं इस इवनिंग का. चलिए, अगर आपको कोई एक विश मांगना हो सेंटा से तो आप क्या मांगेंगे? छुट्टी. सेंटा प्लीज एक छुट्टी दे दो. हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि एक दिन के लिए, हमेशा के लिए. एक दिन के लिए, एक दिन की छुट्टी दे दो. ओके, चलिए. व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, व्यूअर्स से क्या कहना? व्यूअर्स से मैं कहना चाहूँगी, ऑब्वियसली प्लीज़ हमारा शो देखते रहिए. हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिना छुट्टी के काम करते हैं. एंड हम बहुत प्यार से शो बनाते हैं. यहाँ पे हम लोग ऐसे शो नहीं बना रहे कि बस स्क्रिप्ट आती है हम पढ़ के सीन कर दें, ऐसे नहीं कर रहे हैं. हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत प्यार डालते हैं इसमें. सो इट वुड बी लवली वी गेट द लव बैक. तो प्लीज़ देखते रहिए. और हम फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल हैं. आप अगर आपका कोई फीडबैक है, अगर आपको कुछ चीज़ पसंद आती है, कुछ नहीं पसंद आता है, प्लीज़ फ्रीली हमें बताइए और हम आपके कॉमेंट्स को बहुत सीरियसली लेंगे. थैंक यू.